जैन दोस्तों वंदे मातरम। कुछ एक मूवीज़ ऐसी होती हैं जिनका कि ट्रेलर देखने के बाद ही समझ में आ जाता है कि यार ये मूवी मतलब वाकई में कुछ करके दिखाएगी। दरअसल जब हम एक्टर्स के रूप में बात करते हैं संजय मिश्रा या नीना गुप्ता जैसे एक्टर्स की, जो कि एक्टिंग की खदान माने जाते हैं, तो फिर किसी भी मूवी के मायने वहीं बदल जाते हैं। और जब पता रहता है कि ये मूवी किसी गहरे और ऐसे टॉपिक के ऊपर है जो कि डार्क बन जाता है कहीं ना कहीं जाके, तो फिर आप उस मूवी से कहीं ना कहीं कुछ ओवर एक्सपेक्टेशंस ही रखते हो। और वध को देखने के बाद भले ही उसमें थोड़ी बहुत कमियां थी, जो कि हमेशा हर एक मूवी में हो ही जाती हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये मूवी आपको अपने साथ कुछ इस तरीके से लेके चलती है कि आप उसकी पेस से परेशान नहीं होते हैं। भले ही शुरुआत में थोड़ी स्लो लगती है, लेकिन उसके बावजूद आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हाई रहती हैं कि आप मुकाम तक पहुँच ही जाते हैं और ये मूवी आपको निराश भी नहीं करती। संजय मिश्रा और नीना गुप्ता हमेशा से एक्टिंग के मामले में नायाब रहे हैं। ये और बात है कि कैरेक्टर आर्टिस्ट से मेन आर्टिस्ट के रूप में नजर आने में उन्हें वक्त लगा, मगर ये एक अच्छा पहलू भी है कि अब इनके लिए खासतौर पर भूमिकाएं लिखी जाने लगी। निर्देशक जसपाल सिंह की कहानी वध भी एक ऐसे बुजुर्ग दंपति की कहानी है जहाँ हीरो हीरोइन दोनों ही अधेड़ हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये रिश्तों के ताने बाने में उलझी कहानी नहीं, ये कहानी है शंभुनाथ मिश्रा मतलब कि संजय मिश्रा की, जो शून्य में निहारते हुए कहता है कि हमने हत्या नहीं वध किया। जो स्कूल मास्टर किसी बच्चे को थप्पड़ मारने पर भी 3 दिन तक सो नहीं पाता, वो किसी के गले में चाकू मारकर उसे मारने का दुस्साहस आखिर कैसे कर सकता है और क्यों? इसी क्राइम और थ्रिल के इर्द गिर्द इस मूवी की कहानी घूमती रहती है, इसका कि नाम है वध। अगर हम लोग मूवी की कहानी की बात करें तो कहते हैं कि परफेक्ट क्राइम जैसी चीज़ अपराध जगत में संभव नहीं है, मगर वध की कहानी एक अपराध के ऐसे फुल प्रूफ प्लान पर आधारित है जिसमें अपराधी और पीड़ित के बीच की रेखा कहानी के आखिर तक आते आते धुंधली हो जाती। शंभुनाथ मिश्रा एक बेहद ही खुद्दार सेवानिवृत्त स्कूल मास्टर है। मनोहर कहानियों के शौकीन शंभुनाथ की पत्नी मंजू मिश्रा घुटनों की बीमारी से पीड़ित है। ये दंपति विदेश में बेटे गुड्डू की उच्च शिक्षा और उसे सेटल करने के लिए स्थानीय गुंडे प्रजापति पांडे मतलब कि सौरभ सचदेवा ने जिनका किरदार निभाया है, से मोटे ब्याज पर एक बड़ी रकम उधार लेता है। पांडे जब भी वसूली के लिए आता है ब्राह्मण परिवार के घर न केवल शराब और मांस लेकर उसका सेवन करता है बल्कि लड़कियों को लेकर अय्याशी भी करता है। प्रताड़ित शंभुनाथ मजबूरी से अपमान के घूंट पी कर रह जाता है। पांडे से अपमानित होने वाला शंभुनाथ विदेश में बस चुके बेटे गुड्डू की घोर उपेक्षा का शिकार भी होता है, मगर इसके बावजूद जिंदगी से शिकवा नहीं रखता। अपनी पत्नी से प्रेम करता है, पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, मगर एक दिन हालात ऐसे बनते हैं कि उसका सब्र का बांध टूट जाता है और वो पांडे को मार देता है। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं, क्योंकि उसका मानना है कि असुरों का वध किया जाता है और पांडे भी एक ऐसा ही असुर था। इस वध को वो इस तरह से फुल प्रूफ प्लानिंग में बदल देता है कि उसका पकड़ा जाना लगभग असंभव सा है। मगर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस अफसर जिसका ये किरदार मानव विज निभाया है और इलाके का विधायक जसपाल सिंह संधू भी अपनी पोल खुल जाने के डर से पांडे की मौत का सुराग ढूंढने लग जाते हैं। क्या पुलिस और विधायक शंभुनाथ के परफेक्ट क्राइम में लूप होल्स का पता लगाकर उसे जेल पहुंचा पाते हैं? ये जानने के लिए आपको इस बेहतरीन मूवी को देखना पड़ेगा। निर्देशक और लेखक राजीव ने इस क्राइम थ्रिलर को ग्वालियर में बुना है और एक आम आदमी के खास हालात में पढ़कर क्राइम का सहारा लेना फिल्म की विशेषता है। फिल्म का पहला भाग काफ़ी ज़्यादा सुस्त है, किरदारों को स्थापित करने की कवायद लंबी हो जाती, मगर दूसरे भाग में कहानी जोर पकड़ती है। इस थ्रिलर में निर्देशक चरित्रों के जरिए छोटे शहर की आर्थिक और सामाजिक विडंबनाओं को भी दर्शा ले जाते हैं। कहानी में हल्के फुल्के कॉमिक पल भी हैं। हत्या के बाद उसके टुकड़े करने की विभत्सता को बैकग्राउंड म्यूजिक और आवाज़ के जरिए बताया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। चूहे को चूहेदानी में पकड़ने वाला सीक्वेंस प्रतीकात्मक है जो चरित्र की पैनी सोच को दिखाता है। सपन नरूला की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है। ग्वालियर की गलियों में से लेकर कुछ ऐतिहासिक जगहों तक उन्होंने शहर को बखूबी अपने कैमरे में उतारा है। साथ ही बैकग्राउंड म्यूजिक भी दमदार है, मगर थ्रिलर एलिमेंट थोड़े से कम है। ये फिल्म बहुत हद तक आपको दृश्यम की याद भी दिलाती है और एक पॉइंट पर आकर कहानी थोड़ी प्रेडिक्टेबल भी हो जाती, लेकिन आखिर में आपको ये कहानी सुकून की सांस जरूर देगी। फिल्म में अभिनय के जो दो मजबूत स्तंभ काम करते हैं वो हैं संजय मिश्रा और नीना गुप्ता। एक रिटायर्ड स्कूल मास्टर की बेचारगी से लेकर उसके गुस्सा होने तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो संजय मिश्रा के अभिनय के लाजवाब ग्राफ को दर्शाता है। नीना गुप्ता ने घुटनों के दर्द से परेशान धर्म भीरू महिला के किरदार में प्राण फूंक दिए। उनकी चाल ढाल का निढालपन किसी अपने की याद दिलाता है। पति पत्नी के रूप में जो उनकी केमिस्ट्री है वो कमाल की। पुलिस अफसर के रूप में मानव विज जचे हैं, वहीं सौरभ सचदेवा को पांडे के रूप में देखना हद से ज़्यादा गुस्सा दिलाता है और यही उनकी एक्टिंग की खूबी भी है। अन्य किरदार भी अच्छे ही हैं।
अब अगर बात करें कि भैया इस मूवी को क्यों देखना चाहिए, तो अगर आप थ्रिलर के शौकीन हैं और संजय मिश्रा, नीना गुप्ता जैसे अदाकारों के अभिनय को देखना पसंद करते हैं, मतलब कि इन टोटैलिटी आपको ऐसी मूवी पसंद है जिसको देखकर आपको ऐसा महसूस ना हो कि भैया हमने क्या देख लिया, बल्कि आपको ऐसा लगे हमने क्या देख लिया, तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये मूवी वाकई में आपको बांध के रखेगी कि यार नहीं, अब तो कुछ होने वाला है। और आपको सब कुछ पता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से कहानी चलेगी आपको लिटरली मज़ा आएगा। तो इस मूवी को ज़रूर देखें। इस मूवी को देखने के ये कारण भी हैं कि आप ऐसे एक्टर्स को सेलिब्रेट करेंगे जो नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला काम नहीं करते। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही, जय हिंद, जय भारत।